कुछ बात करनी है। तो अभी तो एक तो बात पहले मैं ये बात ध्यान दिला देना चाहता हूं कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, है ना, जो भी अभ्यास करने वाले हैं उसके बारे हम लोग ये ना माने कि यही अभ्यास है जो सही है, बाकी नहीं है। ये बात को हम बहुत स्पष्ट रखें। नीचे हम लोगों ने इस बात को लिखा है कि ये जो बात हम कह रहे हैं वो एक तरीका है चीजों को देखने का, समझने का, एकमात्र तरीका नहीं है। तो जो भी बात कहेंगे उसके बारे ये अपने ध्यान में रखें कि एक हमारे लिए सहयोगी तरीका है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सही को देख सकते हैं ना, अपने में, अपने अधिकार पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि कोई भी चीज हमको अच्छी लगती है तो फिर हम ये मान लेते हैं कि यही ठीक है, बाकी सब बेकार है। तो उसको करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए एक उपयोगी तरीका हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको प्रयास करके देख रहे हैं। उपयोगी सिद्ध होगा तो हम उसका उपयोग करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो तरीके होंगे वो सब गलत होंगे, ठीक है ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। इस बारे में हम अपना मानस खुला रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो हम लोगों ने कल कही थी, मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो भी सारा एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं उसका आशय है कि हम खुद का विकास कर सकें। तो जो कल बात किया था सेल्फ डेवलपमेंट, उसका एक मुख्य पर्पस है। उसके साथ टीम डेवलपमेंट, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ संबंध पूर्वक हम चीजों को देख सकें, कर सकें। और तीसरा उसका जो एक नेचुरल आउटकम होगा कि पूरे समाज के लिए, दूसरों के लिए भी इस काम को कर सकें। लेकिन इन सब का बेस जो है वो अपने में विकास होना है, अपने में डेवलपमेंट होना है। ये बात आज नारूला ने भी अपने, जितेंद्र नारूला ने भी अपने शेयरिंग में कही, तो उसको केंद्र में रखकर हम लोग इस बात को कर रहे हैं। मैंने कल ये भी इंगित किया था कि जो लोग इस EHV के उससे जुड़े रहे हैं पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल तक से, उनमें से बहुत लोगों को ये बात लगने लगी थी कि ये बात हमको पकड़ में तो आ रही है, ठीक भी लग रही है, हमने स्वीकार भी लिया है, लेकिन जीने जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम, हम क्यों प्रॉब्लम ग्रस्त हो जाते हैं, क्यों समस्या में पड़ जाते हैं। उसको समझने के दृष्टि से भी ये जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो मैंने आज अभी सुबह भी इंगित किया और पहले भी इंगित किया कि कठिनाई जो है वो ये है कि कई सारी चीजें हमारे विचार में आ गई हैं, विचार में हमको ठीक लगी हैं, इसलिए हमने उसको ठीक मान लिया है, लेकिन अभी भी हमने उसको देखा नहीं है कि ऐसा ही है। ये जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से चीजों को देख पाना है वो काम नहीं हुआ है, इसलिए एक नई तरह की मान्यता तो बन गई है, लेकिन वो जो पुरानी भी मान्यताएं इकट्ठा है हमारे में, जो इससे भिन्न है या इससे विरोधी हैं, वो मान्यताएं भी बैठी हुई हैं। और इसलिए जब बाहर की परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं जो दूसरे मान्यता के ज्यादा अनुकूल होती हैं, दूसरे एजम्पशंस के, बिलीव्स के ज्यादा अनुकूल होती हैं, तो उन एजम्पशंस के तहत हम अन्यथा करने लगते हैं। तो ये मुख्य बात है। उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया हम लोगों ने, संस्कार, है ना, एक्यूमुलेटेड फीलिंग्स एंड थॉट्स, पहले से जो बहुत इकट्ठा है ना, वो ठीक से हमको मूल्यांकित हुआ नहीं है, क्योंकि जो चीज के बारे हमने अभी नई मान्यता बनाई है उसको हमने सीधा सीधा अपने में देखा नहीं, उसके बारे कुछ मान लिया है और उसके बारे पहले से भी कुछ माने हुए हैं, वो हमारे संस्कार पुराने भी हैं। इसलिए जब परिस्थितियां बदलती हैं, और ऐसी परिस्थितियां खास करके होती हैं जो दूसरे संस्कार के अनुकूल हैं, तो हम उस संस्कार के तहत चीजें करने लगते हैं। इसको ठीक से देखना है, अपने ठीक से जांचना है।
उसी को नीचे लिखा हम लोगों ने, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो जो एक तो हमको अपनी समझ को विकसित करना है, और समझ का मतलब विचार में मान लेना नहीं है। गणेश जी स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही है? नहीं चेंज किया नहीं मैंने भी। अच्छा जी। तो समझ को ठीक करना है, समझ को पूरा करना है, एक काम यह है। दूसरा, अभी तक जो इकट्ठा कर रखा है उसको साफ करना है, है ना, उसकी साफ सफाई करनी है ना, अपने संस्कार को शुद्ध करना है। संस्कार में बहुत सारा अच्छी चीज है, बहुत सारा गलत चीज भी जमा हो गई है, क्योंकि हमने बेहोशी में इन संस्कारों को इकट्ठा कर लिया। अब उन संस्कारों का हमको परिमार्जन करना है, सफाई करनी है, शुद्धि करना है, उसकी जांच परख करनी है। उसमें जो काम का है उसको बनाए रखना है, जो काम का नहीं है उसको विदा करना है। विदा हो ही जाता है वो। तो ये मुख्य काम है। एक तो हम अपने को विकसित करना चाहते हैं, केंद्र में ये बात है, उसके तहत अपनी समझ को ठीक करना चाहते हैं, दूसरी बात है, और तीसरा, अभी तक जो अन्यथा संस्कार हमने इकट्ठा कर रखे हैं उसकी सफाई भी करना चाहते हैं। तो ये तीन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो जो भी हम काम हम लोग एक्सरसाइज वन में करेंगे, एक्सरसाइज टू में करेंगे, उसमें ये बातें सब है ना, ये जो पर्पस हमने सेट किया वो ऑल थ्रू वो बातें हमको दिखाई पड़ेंगी। तो इतने पर हम लोग फोकस करके काम करेंगे। इसके साथ अगर देखने जाएंगे तो हमारा पर्पस क्या है इस एक्सरसाइज का, उसको पहचानेंगे तो तीन चीजें लिखी हैं। एक तो हम जीना चाहते हैं, दूसरा हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तृप्तिपूर्वक जीना चाहते हैं, और तीसरा हम निरंतर तृप्तिपूर्वक जीना चाहते हैं, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। ऐसा हम में से हर व्यक्ति चाहता है, इसको हम लोग जांच कर देखे ही हैं, लेकिन एक बार फिर से जांच कर देख लीजिए। तो ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका पर्पस भी यही है। उसका पर्पस भी यही है। क्या है कि हम सुखपूर्वक हम जी सकें, पहला तो ये, फिर सुखपूर्वक जी सकें, फिर निरंतर सुखपूर्वक जी सकें। यही लक्ष्य है इस एक्सरसाइज का। तो एक बात ये है। फिर ये बात हम लोगों ने पहले ही देखी थी, जब यूएचबी वन का पहला कोर्स करते हैं उसका जो पहला इंट्रोडक्टरी सेशन है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वहीं हम लोगों ने ये बात किया कि अगर हमको निरंतर सुखपूर्वक जीना है तो तीन चीजें जरूरी हैं। एक तो ये जरूरी है कि हमारे अपने में सही समझ हो, स्वयं में सही समझ हो, राइट अंडरस्टैंडिंग इन दिस सेल्फ हो। दूसरा, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इन दिस सेल्फ, ये हो। और तीसरा ये कि हमारे में इस बात की योग्यता आ जाए कि हम बाहर परस्परता में दूसरों के साथ ठीक से जी सकें। तो ये तीन चीजें जरूरी हैं। सही समझ जरूरी है, सही भाव जरूरी है, और उसके साथ जो भी बाहर हम सही व्यवहार कार्य कर रहे हैं उसको सही से कर सकें, इसके लिए योग्यता जरूरी है। उसी को यहाँ फैला कर लिखे हम लोग, आप लोग इससे सब परिचित हैं तो मैं इसको बहुत विस्तार नहीं कर रहा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है अगर देखेंगे तीन चीजों में, तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो राइट अंडरस्टैंडिंग इन दिस सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इन दिस सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेल्फ में ये दोनों चीजें अगर ठीक ठीक हो जाएं तो बाहर हम जो भी व्यवहार करेंगे वो इसी के आधार पर करेंगे, तो हमारा व्यवहार तो ठीक होगा ही, कार्य ठीक होगा ही। तो मेजर जो काम होना है वो सेल्फ में होना है। और क्या काम होना है सेल्फ में? तो एक तो सही समझ होना है, दूसरा सही भाव विचार होना है। सही समझ को हम लोग फैला कर देखे थे कि ये पूरा जो अस्तित्व है जिसके साथ हमारा जीना हो ही रहा है, उस पूरे अस्तित्व को हमको समझना है। और उस समझने का काम हम लोगों ने ह्यूमन बींग के साथ शुरू किया था, है ना, सेल्फ से शुरू किया था,
तो सेल्फ को समझना है, बॉडी को समझना है, उसके इंट्रैक्शन को समझना है, उसके साथ फैमिली को समझना है, सोसाइटी को समझना है, नेचर को समझना है और पूरे अस्तित्व को समझना है। इतना अभी अस्तित्व का फैलाव है, इतना हमारे जीने का फैलाव है, तो इन सबको समझना है। उसके साथ क्या करना है, तो सही भाव सही विचार को सुनिश्चित करना है। सही भाव क्या है उसको भी धीरे धीरे हम लोग पहचानेंगे, पहले भी बात किए हैं, अब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से उसको देखने का प्रयास करेंगे कि संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव और सहस्तित्व का भाव, ये भाव हमारे में सुनिश्चित हो जाए, इसके अर्थ में ही हमारा विचार चलने लगे। तो समझ ठीक हो जाए, भाव विचार ठीक हो जाए ना पूरे अस्तित्व के संदर्भ में, तो हम हर क्षण अपने में आराम में रह सकते हैं, संगीत में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, इस आधार पर निरंतर सुखी हो सकते हैं। तो इस पर हम लोग काम करेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग पर काम करेंगे, इन दिस सेल्फ, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इन दिस सेल्फ। तो मुख्य काम अगर देखेंगे तो सेल्फ के लेवल पर होना है, सेल्फ के लेवल पर काम होना है। एक बार सेल्फ के लेवल पर काम हो जाए तो हम अपने में भी हारमोनी में जी सकते हैं, संगीत में जी सकते हैं, व्यवस्था में जी सकते हैं, और बाहर परस्परता में भी संगीत में जीने का प्रयास कर सकते हैं, व्यवस्था में जीने का प्रयास कर सकते हैं। अभी जो हमारे जीने में गलतियां होती हैं उसका कारण यही है कि या तो समझ ठीक नहीं है हमारा अपने बारे, जिसके साथ जी रहे हैं उसके बारे, ठीक, या उसके पास साथ हमारा भाव विचार ठीक नहीं, वहां गलती होती है इसलिए हम गलतियां करते हैं, वहां गलती होती है इसलिए हम गलतियां करते हैं। गलती कोई करना चाहता नहीं, ये बात तो हम अपने में देख ही सकते हैं कि हम तो सही जीना चाहते हैं लेकिन सही समझ के अभाव में गलत को जो सही मान रखा है उस कारण से हम जो जीते हैं वो गलत जीते हैं। तो समझना जरूरी है, ये बात पहले से हम लोग को स्पष्ट है। उसके तहत जो बात अभी हम लोगों ने कही कि एक तो तरीका हो सकता है कि जो सही का प्रस्ताव उसको हम अपने विचार में फैला कर देखें और वो हमको सही लगता है तो हम उसको मान लें कि भाई ये सही है, बट उससे जो कठिनाई होती है उसको भी मैंने इंगित किया। तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि उसको हम सीधा सीधा देख सकें ना, प्रस्ताव में जिन रियालिटी को वास्तविकता को इंगित किया गया है उसको हम अपने में सीधा सीधा देख सकें, ये संभव है क्या? अगर संभव है तो क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के बारे आज हम लोग बात करना चाहते हैं। और नेक्स्ट जो भी 2-3 सप्ताह का समय हम लोग को लगेगा उसमें इसी पर बात करेंगे। तो उस पर बात शुरू करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज को आपको के साथ, किसी भी ठीक चीज के साथ आपको अगर ठीक से जीना है तो उसको समझना जरूरी है। अगर समझना चाहते हैं तो उसको देखना जरूरी है, ऑब्जर्व करना जरूरी है। और अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो जीने के लिए समझना जरूरी है, समझने के लिए देखना जरूरी है, देखने के लिए ध्यान देना जरूरी है। इसलिए बात तो ध्यान देने से शुरू होगी। तो जिन वास्तविकताओं के साथ हम जी रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, उस पर ध्यान दें, उसको देख लें, देख कर उसको समझ लें, समझ लेंगे तो उसके साथ हम ठीक से जी पाएंगे। इसलिए हमारा जो पूरा प्रोसेस होगा चीजों को देखने का, है ना, वास्तविकताओं को देखने का, रियलिटी को देखने का, एग्जिस्टेंस को देखने का, वो ये होगा कि हम उस पर ध्यान देंगे, ध्यान देकर देखेंगे, देख कर समझेंगे, समझ जाएंगे तो उसके साथ हम ठीक से जी पाएंगे। तो ध्यान देने का काम करेंगे, ये काम हम लोग अगले, है ना, समय में करने वाले हैं। मुख्य काम ये होगा। तो अब ध्यान देने के संदर्भ में कुछ बातें कर लेते हैं। तो एक तो बात यह है कि भाई ध्यान देने की वस्तु क्या है, किन चीजों पर ध्यान देंगे, और दूसरा ध्यान देने का प्रक्रिया क्या होगा। ये दो चीजों को हम लोग अगर अभी समझ लें तो हम लोग ध्यान देने वाले काम को शुरू करेंगे, उसके आधार पर देखने का काम शुरू करेंगे, उसके आधार पर समझने का काम शुरू करेंगे,
और फिर देखेंगे कि अब समझने के बाद उसके साथ हम ठीक से जी पा रहे हैं कि नहीं। तो एक भाग तो उसमें यह है इस ध्यान देने में कि भाई किन चीजों पर ध्यान देना है, और दूसरा भाग यह है कि किस प्रक्रिया से ध्यान देना है। तो इसके बारे में बहुत ब्रीफली आज हम लोग बात कर लेते हैं, धीरे धीरे और एक्सपैंड करेंगे। तो अगर ध्यान देने का वस्तु को पहचाने जाएंगे तो पता लगता है कि पूरे अस्तित्व को ही ध्यान देना है, क्योंकि पूरे अस्तित्व के साथ हम जी रहे हैं। पूरे अस्तित्व को ध्यान देना है क्योंकि पूरे अस्तित्व के साथ हम जी रहे हैं। तो ध्यान देने का वस्तु तो निश्चित हो गया, पूरा प्रकृति, पूरा अस्तित्व जिसमें हम भी शामिल हैं, ये सबको हमको समझना है ताकि इनके साथ हम ठीक से जी सकें। तो कैसे हम जी तो रहे हैं, ठीक जी या गलत जी, इसलिए समझने का जो मुद्दा है वो तो सारा अस्तित्व ही है, सारी प्रकृति ही है। जो दूसरी बात है कि प्रोसेस क्या होगा ध्यान देने का, तो प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। प्रोसेस ये है कि जिस चीज पर हमको ध्यान देना है उसके प्रति हम अवेयर हो जाएं, उसके प्रति होश में आ जाएं, उसके प्रति ध्यान देने का निर्णय कर लें, बस इतना ही करना है। जो भी देखना है हमको, है ना, उसके प्रति हमारा होश बन जाए, उसके प्रति हम सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं, है ना। उसका मतलब यह कि उस पर ध्यान देने का निर्णय हम कर लें। ध्यान देने का निर्णय कर लेते हैं तो हमारा ध्यान उस पर जाने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब ध्यान दे रहे हैं और देख रहे हैं, है ना, और उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो प्रतिक्रिया ना करें, रिएक्शन ना हो, है ना। क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो हम अब उसको देखना बंद कर देते हैं, अपने में जो रिएक्शन हो रहा है उसके साथ अब उसको देखते हैं। तो जैसा वो है वैसा नहीं देख रहे, अब हमारे अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के साथ जोड़ के देखते हैं, इसलिए हम ठीक ठीक देख नहीं पाते। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है ध्यान देने का। एक तो ये कि उसके प्रति होश में आना है, सजग होना है, अवेयर होना है, और दूसरा उसका मूल्यांकन करते समय रिएक्शन नहीं करना है, है ना, एक अपने में समता को बनाए रखना है, एक, है ना। और समता से ज्यादा ये कहेंगे हम कि रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स करना है, बट उसको आगे धीरे धीरे समझेंगे। अभी तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि रिएक्शन नहीं करना है, ये जो प्रतिक्रिया हम करते रहते हैं वो प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसको देखना है बिना उससे प्रभावित हुए, बिना उसको प्रभावित करने का प्रयास किया। तो ये दो बातें हैं ध्यान देने के संदर्भ में, इसको हम लोग धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे। तो जो पहली बात कहा हम लोगों ने कि किस चीज पर ध्यान देना है, तो पूरा अस्तित्व पर ध्यान देना है ना, पूरे अस्तित्व को समझना है, इसलिए पूरे अस्तित्व पर ध्यान देना है। उसको अगर देखेंगे तो हम लोगों ने EHP 1 के कोर्स में इस पर बात किया था कि अस्तित्व क्या है, कैसा है। तो ये पता लगा था कि पूरा अस्तित्व जो है वो सहअस्तित्व के रूप में है, और सहअस्तित्व को अगर फैला कर देखेंगे तो इकाइयां हैं, और इकाइयां जो है शून्य के सहअस्तित्व में है। इकाइयों को फैलाया था तो दो तरह की इकाई दिखाई पड़ी थी हम लोग को, एक को जड़ इकाई कहा था, एक को चैतन्य इकाई कहा था, मेटेरियल यूनिट एंड कॉन्शियसनेस यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस, ऐसा पूरा एग्जिस्टेंस है। इसलिए अगर देखेंगे तो तीन तरह की मूलभूत वास्तविकताएं हमको दिखती हैं, थ्री डिफरेंट रियालिटीज। वन इज द रियालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस सेल्फ। सेकेंड इज द रियालिटी ऑफ मेटीरियल, जिसको हम लोगों ने एक उदाहरण के रूप में शरीर को पहचाना, और तीसरा जो है पूरा कोएग्जिस्टेंस, जिसमें कि स्पेस एक महत्वपूर्ण चीज है इकाइयों के अलावा देखेंगे तो। तो पूरे अस्तित्व में तीन प्रकार की चीजें हैं, एक तो चैतन्य इकाई है, सेल्फ है, कॉन्शियसनेस है, दूसरा जड़ इकाई है उदाहरण के रूप में शरीर है, और फिर तीसरी बात पूरा सहअस्तित्व है जिसमें जो इकाई के अलावा देखेंगे तो स्पेस व्यापक वस्तु है। इतनी चीजें हैं
और इसलिए हमको इतनी चीजों पर ध्यान देना है, इतनी चीजों को समझना है। तो पूरे एक्सरसाइज को देखेंगे तो हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज वन में हम लोग कॉन्शियसनेस को, सेल्फ को समझने का प्रयास करेंगे, चैतन्य को, मैं को ना समझने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज टू में मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज में सेल्फ को समझने का, चैतन्य को समझने का काम, मैं को समझने का काम। दूसरे एक्सरसाइज में मैं और शरीर के बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उसको समझने का काम। उस प्रक्रिया में देखेंगे तो शरीर को समझने का काम, मेटीरियल वर्ल्ड को समझने का काम करेंगे। और एक्सरसाइज थ्री में, जिसके बारे में बहुत विस्तार से हम लोग इन सत्रों में नहीं बात करने वाले, लेकिन धीरे धीरे उस पर ध्यान जाएगा हमारा, उसमें हम पूरे सहअस्तित्व को समझने का काम करेंगे। और सहअस्तित्व में भी खास देखेंगे तो व्यापक वस्तु को समझने का काम करेंगे, उस पर ध्यान देने का काम करेंगे। इतना काम हम लोग को करना है, ठीक है ना। इन सब में समझने वाला कौन है? तो मैं ही समझने वाला हूँ, सेल्फ ही समझने वाला है, ठीक है ना। इसको मैं कल थोड़ा और डिटेल डिस्कस कर दूंगा। आज मैं इतना करना चाहता हूँ कि इसके ब्रीफ डिस्कशन के साथ स्टेप वन में हमको क्या करना है उसको मैं इंगित कर दूं, ताकि उस पर आप अभ्यास शुरू कर सकें। तो इतना पूरा अस्तित्व है, देखने वाला मैं खुद हूं, इसलिए मुझे अपने को अपने में देखने का काम शुरू करना है। तो तीन एक्सरसाइज में तीन चीजों को देखना है, लेकिन उन सब में देखने वाला मैं स्वयं हूं, इसलिए तीनों एक्सरसाइज को देखेंगे तो ऐसा दिखता है। एक्सरसाइज वन में सीइंग द सेल्फ बाय द सेल्फ, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का काम कर रहे हैं, चैतन्य के द्वारा चैतन्य को देखने का काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज दो में स्वयं के द्वारा शरीर को देखने का काम कर रहे हैं, और एक्सरसाइज तीन में स्वयं के द्वारा पूरे अस्तित्व को देखने का काम कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज वन के बारे थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं, जिस पर आज काम शुरू कर देंगे, तो कल उसको हम लोग थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ये सब डिटेल पर मैं बाद में आऊंगा। तो पहले एक्सरसाइज वन को अगर देखेंगे तो ऑब्जर्विंग द सेल्फ बाय द सेल्फ, दैट इज लुकिंग विद इन। ये नोट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए अभी उसको मैं बात नहीं करता हूं। तो जब हम देखने जा रहे हैं ना, तो एक बात तो ये महत्वपूर्ण है कि हम जब सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देखने जा रहे हैं, तो क्या हमको आंख के माध्यम से देखना जरूरी है, या सीधा सीधा हम सेल्फ को देख सकते हैं? उसमें पहले तो एक बात यह तय करनी कि सेल्फ को जब देखने जा रहे हैं, स्वयं को जब देखने जा रहे हैं, तो क्या देखेंगे। तो हम लोग की तरफ से प्रस्ताव यह है कि हमारे में जो कल्पना चिंता चल रही है, जो इमेजिनेशन चल रहा है, उसको देखने के काम से शुरू करेंगे। तो अगर मुझे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, अपने इच्छा विचार आशा को देखना है, तो क्या हमको आंख के प्रयोग करने की जरूरत है कि नहीं, इसको जांच लीजिए। दूसरा, शरीर को प्रयोग करने की जरूरत है कि नहीं, इसको जांच लीजिए। या मैं सीधा सीधा अपनी कल्पनाशीलता को देख सकता हूं, इसको जांच लीजिएगा। कल इस पर और बात करेंगे हम लोग। निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई मैं सीधा सीधा अपनी कल्पनाशीलता को देख सकता हूं, ठीक। इसलिए मैं आंख को आराम दे सकता हूं, शरीर को आराम दे सकता हूं, जिस भी पोस्चर में वो आराम में रहें, और सीधा सीधा अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देने का काम शुरू कर सकता हूं। तो उसके साथ अब स्टेप वन पर जो काम करना है उसको मैं इंगित कर देता हूं। स्टेप वन पे जो काम करना है वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि हमारे में जो भी कल्पनाशीलता चल रही है इस क्षण, उस कल्पनाशीलता के प्रति होश में आना है, बस इतना काम। तो अगर मैं किसी इस क्षण जो है किसी के बारे सोच रहा हूं, है ना, कि कैसे उसको आराम दिया जाए, कैसे उसकी सेवा की जाए, तो ये हमारी कल्पनाशीलता है इस क्षण की। अगर मैं किसी से गुस्सा हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि कैसे उससे बदला लिया जाए, ये हमारी कल्पनाशीलता है, ये हमारा इमेजिनेशन है इस समय। तो जो भी इमेजिनेशन अभी मेरे में चल रहा है, हमको सिर्फ उस पर ध्यान देना है, उसको देखना है,
उसके प्रति होश में रहना है, बिना कोई प्रतिक्रिया किए, बिना कोई रिएक्शन किए। ठीक चल रहा है तो भी देखना है, ठीक नहीं चल रहा है तो भी देखना है। इतना भर काम हमको करना है एक्सरसाइज वन के स्टेप वन में, एक्सरसाइज वन के स्टेप वन में इतना भर हमको काम करना है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बात को रोकने के पहले, कि पहले एक्सरसाइज में सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देखना है, मैं के द्वारा मैं को देखना है, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना है। और उसके पहले स्टेप में यहाँ से शुरू करना है कि इस क्षण मेरे में जो भी कल्पना चित्ता चल रही है, जो भी इमेजिनेशन चल रहा है, उसको देखना है, उस पर ध्यान देना है, उसके प्रति होश में आना है, बिना कोई प्रतिक्रिया किए उसको देखना है, जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, ना तो उसको बनाए रखने की कोशिश करना है, ना उसको हटाने की कोशिश करना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ उसके प्रति होश बनाए रखना है, उसके प्रति अवेयरनेस बनाए रखना है। ये बहुत सिंपल स्टेप है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। जितना तत्परता से हम इस काम को कर पाएंगे स्टेप वन को, उतना हमारी आगे के अभ्यास में गति हो पाएगी। इसीलिए बहुत लोगों को ये दिखता है कि लौट लौट के हमको अभ्यास एक के स्टेप वन पे ही आना पड़ता है, क्योंकि वो सबसे फंडामेंटल स्टेप है, जिसके बारे हम लोग और बहुत सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन एक बार आप अपने पे काम शुरू कर दीजिए तो बात जो हम लोग कल करेंगे वो आपको ज्यादा ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा, ज्यादा रिलेवेंट लगेगा, है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखने का काम शुरू कर दिया है और ये सब चीजें हमारे ध्यान में आती ही हैं फिर एक बार देखना शुरू करें तो बहुत सिंपल है। जो भी कल्पनाशीलता चल रही है मेरे में इस क्षण, जो भी भाव विचार चल रहा है, जो भी इच्छा विचार आशा चल रही है, उसको देखना है, उसके प्रति होश में रहना है, उसके प्रति अवेयर रहना है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं करना है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ देखना है, जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। तो इतना काम हम लोग करेंगे स्टेप वन में, एक्सरसाइज वन के स्टेप वन में इसको आज शुरू करते हैं, है ना, आज सुबह अभी से लेकर कल सुबह तक इस पर काम कर लीजिए। और इसके आधार पर जो भी प्रश्न बनेंगे, जो भी क्लारिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, उस पर हम लोग कल बात करेंगे। तो इसके साथ मैं यहाँ पर रोक देता हूँ, हिंदी वाला जो भी प्रस्तुति हमको करना था उसके लिए। इसी बात को मैं फिर से अंग्रेजी में रख देता हूँ, तो जिनको हिंदी में कुछ चीजें नहीं साफ हुई होंगी उसको अंग्रेजी में और साफ हो जाएंगे, है ना। उसके बाद कोई प्रश्न अगर है, बच जाता है इस बात के संदर्भ में कि भाई कैसे हमको ध्यान देने का काम करना है स्टेप वन में, तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे, बाकी प्रश्नों पर तो आगे चर्चा करेंगे। तो सिर्फ इस प्रश्न पर कि अभी स्टेप वन में जो ध्यान देने का काम है उसके संदर्भ में कोई प्रश्न होगा तो उसको हम लोग ले लेंगे इंग्लिश में, इस बात को रखने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें शायद आपको उसमें भी साफ हो जाए, तो उसको मैं कर देता हूँ। और कल से इस संभावना पर हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे क्लोज करने के पहले, कि एक एक घंटे को हम लोग अगर अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी में रख लें वो ज्यादा ठीक होगा, या जैसा आज हम लोग कर रहे हैं वैसा करना ठीक होगा। ठीक है।